रोकने का काम कर रहे थे। परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के गद्दी पर बैठते ही आज पूरे उत्तर प्रदेश का गुंडा थर थर कांप रहा है और सोने के पहले उनको सपना आता है और बाबा जी का बुलडोजर दिखाई देता है। ऐसे हमारे परम पूज्य मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि जनता टेंडर की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, शरद अवस्थी जीतेंगे। अगले एक साल के अंदर चीनी मिल का एक्सपेंशन करके नई चीनी मिल बना करके देंगे आप लोगों को, तैयार है ना? तो मैं आश्वस्त होकर के जाऊं, हमने जो कहा था हमने किया। हमने कहा था ना कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनाएंगे, हो गया ना? रामनगर वासियों को बाकी क्या चाहिए? भगवान राम का मंदिर भी बन रहा है, पुड़वल की चीनी मिल भी बन रही है, सड़क पुल पलिया, गरीबों को राशन फ्री में सारी सुविधाएं, पॉलिटेक्निक डिग्री कॉलेज, जहां शरद ने कहा वहां पे काम हुए हैं। और भाइयों बहनों, फिर यही कहने के लिए आया हूं, सरकार बनेगी तो माफिया को भी ठीक करेगी और साथ साथ आपकी आस्था का सम्मान करते हुए, पांच बेटियों की सुरक्षा प्रदान करते हुए, गरीबों के घर पर खुशहाली आने का काम भी करेगी। आप सब सहमत हैं? तो मेरे साथ दोनों हाथ पांव पर उठा करके बोलेंगे, दोनों शब्दों में माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें शरद अवस्थी जी। आज अपने माधेश्वर जोधेश्वर की पावन भूमि पर मैं महाराज जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और आपको मजबूत सरकार चाहिए, मजबूत सरकार चाहिए, दंगा कराने वाली सरकार चाहिए, दंगा से मुक्त करने वाली सरकार चाहिए, भय पैदा करने वाली सरकार चाहिए, भयमुक्त वातावरण देने वाली सरकार चाहिए, गरीबों का शोषण करने वाली सरकार चाहिए या गरीबों को शासन की योजना के साथ जोड़ करके लाभ देने वाली सरकार चाहिए? भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी गांवों के विकास के लिए, नौजवानों के रोजगार के लिए, अन्नदाता किसानों के उत्थान के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य की है, कार्य करेगी। और इसके लिए एक मजबूत और दमदार सरकार चाहिए, चाहिए ना? लेकिन ये तब होगा जब रामनगर से श्री शरद अवस्थी चुनाव जीत करके जाएंगे। अभी और बाकी है, सपा के लोग परेशान हैं, वे मुझसे बहस करते हैं, कहते हैं कि आपने कौन काम करवाया है। मैंने कहा देखो, एक्सप्रेस हाईवे बनाए हैं हम लोगों ने, एक्सप्रेस हाईवे बनाए हैं, हाईवे बनाए हैं, रेलवे बनाए हैं, मेडिकल कॉलेज बनाए हैं, पॉलिटेक्निक डिग्री कॉलेज सब बनाए हैं, काय पैसा कहां से आया है? मैंने कहा देखो, हमने एक नया यंत्र विकसित किया है, आप समझ गए होंगे ना, एक नया यंत्र हमने विकसित किया है, वह हाईवे और एक्सप्रेस वे भी बनाता है और माफिया और गुंडों के ऊपर चढ़ करके रगड़ करके उनके घर से पैसा भी निकालता है। तो हमारा